हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका एक छोटा टॉपिक, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है, ना केवल आपके फार्माकोलॉजी में बल्कि माइक्रोबायोलॉजी में भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। पुराने सिलेबस में ये टॉपिक से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। और आज के इस वाले सेक्शन में हम बात करेंगे देयर बेसिक इंट्रोडक्शन और कौन कौन से 1-to-1 स्टेप्स होते हैं इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को बनाने में। सबसे पहले हमेशा की तरह टॉपिक को समझिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। इसमें तीन वर्ड लगे हैं। पहला मतलब है मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल एक। दूसरा होता है क्लोनल, यानी कि जिसका क्लोन बनाया गया हो, जिसकी हूबहू नकल की कॉपीज बनाई गई हो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। सो एंटीबॉडीज आर बेसिकली प्रोटीन विच आर अ डिफेंसिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, जिसके अंदर काफी सारे पार्ट पार्टिसिपेट करेंगे और जिसका मकसद केवल और केवल एक ही है, वह है आपकी बॉडी को बाहर से आने वाले एंटीजन से बचा करके रखना। तो दिस इज कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब जरूरत इस बात की क्यों पड़ी कि हमको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनाना पड़ रहा है? ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है वो आपकी बॉडी में नेचुरली नहीं बन रहा, इसे आर्टिफिशियली आपके लैबोरेटरीज में बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और डिफरेंट साइंस की मदद से इसको बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण यह है कि हमारी बॉडी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में आपको बचाने के लिए एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है। लेकिन आपको बचाना तो जरूरी है, इसीलिए हम उस पर्टिकुलर एंटीजन के रेस्पेक्ट में एंटीबॉडी को हम किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, यहां पे हम रैट को यूज करेंगे, उसमें बना करके बनी हुई एंटीबॉडी को, इम्यूनोग्लोबुलिन को आपके बॉडी में ट्रांसफर करेंगे, ताकि आपके बॉडी में जो ना बनाने की कमी थी वो पूरा किया जा सके। इसको हमने समझाया है आपका एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में। सो अपने कॉन्सेप्ट को अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो उसे दोबारा देख करके क्लियर कर सकते हैं। ये जो प्रोसेस है बहुत इजी है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट रिगार्डिंग द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। सो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आर अल्ट्रा सेंसिटिव। हर एक वर्ड का अपना एक महत्वपूर्ण वर्ड का मीनिंग होता है। अल्ट्रा सेंसिटिव मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव वर्ड आने पे एक चीज का ध्यान थोड़ा खींचना आवश्यक है, किसी पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में, किसी पर्टिकुलर वर्ड या किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के एस्पेक्ट में आप उसको सेंसिटिव बोल सकते हैं। सेंसिटिव मतलब पता है संवेदनशील। अगर कोई ए नाम का चीज आ रहा है तो हमारा जो एंटीबॉडी है वो ए के लिए सुपर सेंसिटिव है एज कंपेयर टू द बी और एनी अदर सब्सटेंस। तो सेंसिटिव मतलब उसके रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा इफेक्टिव शो करेगा, उसको रिकॉग्नाइज काफी अच्छा करेगा। दूसरा पॉइंट इसके बाद हाइब्रिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिड? देखिए, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइब्रिड का मतलब आप भले ही बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना जानते हो, लेकिन इसका आंसर आपके पास है। आप जब कभी भी मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं तो ये जाना बहुत पहचाना वर्ड यूज होता है कि दिस इज द हाइब्रिड टमाटर, दिस इज द हाइब्रिड भिंडी और व्हाटएवर सब्जी इट इज। इसका मतलब क्या है? एक होता है आपका देसी, जिसको आप लोग बोलते हो नेचुरल तरीके से उगाया गया है, जबकि दूसरा उसके बेसिक जीन के सीक्वेंस में अल्टरेशन करके साइंटिस्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। So, जब हम इनमें कोलैबोरेशन करते हैं, जब एक नेचुरल ओरिजिन का और आपके उस कुछ मॉडिफिकेशन का कोलैबोरेशन होगा तो वो हाइब्रिड कहलाता है। सो दिस इज अ हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब एक कोई इम्यूनोजेन को, जो कि इम्यूनोजेनिसिटी कॉज करेगा, इसको किसी एनिमल में ट्रांसफर करेंगे, उससे बने हुए सेल को हम माइलोमा सेल के साथ फ्यूज करेंगे, तो इस तरीके से दो सेल आपस में फ्यूज हो रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ हाइब्रिड। उसके बाद जो अगला है, देखिए, वो इम्यून सिस्टम डेराइव्ड प्रोटीन। इम्यून सिस्टम डेराइव्ड प्रोटीन कहने का मतलब है, ऑल्दो इट इज एंटीबॉडी और एंटीबॉडी नेचर में प्रोटीन होंगे, सो इट इज इम्यून सिस्टम डेराइव्ड प्रोटीन। दैट मींस अगर हम किसी एंटीजन को किसी एक्सपेरिमेंटल एनिमल में ट्रांसफर करते हैं तो भले ही वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल है, लेकिन वो एक बॉडी तो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, उसमें आपके इम्यून सेल तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उस एंटर्ड किए गए एंटीजन के रेस्पेक्ट में उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल की बॉडी में बने एंटीबॉडी, दैट इज अ पार्ट of immune system of that particular animal, that is why it is written as an immune system derived protein. Uska immune system ho, ye alag baat hai, lekin hai to immune system hi, saath-saath designed to recognize specific antigen. ये लाइन पूरे 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 पैराग्राफ का एक्सट्रैक्ट है, इसलिए इसको आप ध्यान से सुनिएगा। डिजाइन टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक एंटीजन, इसका मतलब क्या हुआ? मान लेता हूं मैं कोई एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हूं
और मेरा जो डिजाइन किया गया है, जो मेरा बनाने का मकसद था, मुझे बनाने का, वो ये था कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन के रेस्पेक्ट में एक्टिवेट हो जाऊं और उसको वहां से डिस्ट्रॉय कर दूं। तो मेरे पास अगर आप 50 तरीके के एंटीजन भेजेंगे और उसमें से वो नहीं रहेगा जिसके लिए मैं बनाया गया हूं, सो आई विल बी ऑफ नो यूज। लेकिन अगर उसी तरह के एंटीजन का कभी भी मेरी बॉडी में एनकाउंटर होता है तो मैं उसको इजिली, इमीडिएटली, फास्ट, हाइपर सेंसिटिव तरीके से, दैट मींस नॉट एलर्जिक, हाइपर सेंसिटिव मींस अ सेंसिटिव वे उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उससे मैं पहचान लूंगा और उससे आपकी बॉडी को, जिसको भी मुझे दिया गया होगा, उससे मैं उसको प्रोटेक्ट करने में कैपेबल इनफ होऊंगा। दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। कमिंग टू द मेन पॉइंट, दैट फर्स्ट पॉइंट सेज दीज आर प्यूरिफाइड एंटीबॉडीज। ये पॉइंट पे हमको थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए। दीज आर प्यूरिफाइड एंटीबॉडीज, इसका क्या मतलब है? प्यूरिफाइड एंटीबॉडीज मतलब क्या होता है? प्यूरिफिकेशन मतलब ही समझिए, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यूरिफाई मतलब क्या होता है? आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने कुछ मार्केट से कोई चीज लेकर के आई, उसमें कई सारी चीजें होंगी जो आपके काम का है वो तो होगा ही, उसमें एडल्ट्रेशन भी होंगे, मिलावट भी होगा, लेकिन अब आपको अच्छी चीजों को रखना होगा तो आप उसको प्यूरिफाई करने की कोशिश करेंगे, वॉश आउट करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, लेकिन पूरे बल्क में से अच्छी चीजों को आप बाहर निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। सो इसका लॉजिक क्या कहता है वो आप सेकंड पॉइंट में समझ भी जाएंगे, फिर भी समझिए। जब कभी भी हम एंटीजन को आपके एक्सपेरिमेंटल एनिमल में ट्रांसफर करते हैं, हमारा एक्सपेरिमेंटल एनिमल उस रेस्पेक्टेड इंसर्टेड एंटीजन के कारण से कुछ एंटीबॉडी बनाएगा। अब वो एंटीबॉडी बनाएगा वो बेस्ट क्वालिटी का हो, ये जरूरी तो नहीं है, उसमें अच्छी क्वालिटी का, मीडियम क्वालिटी का, लो क्वालिटी का या जीरो क्वालिटी का भी हो सकता है। सो हमको उसके पूरे बने हुए प्रोडक्ट में से स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी, टेस्ट करना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा कि कौन कौन सा अच्छा है, कौन कौन सा काम का नहीं है। और ऑब्वियसली जो चीज काम का नहीं है, जो कि अनफ्यूज है माइलोमा सेल से, प्रॉपर फ्यूज नहीं हो पाया है, उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे और विच एवर इज बेस्ट फ्यूज्ड उसको हम सेलेक्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्यूरिफाइड एंटीबॉडीज। और उसको एंटीजन को दे करके बनाया गया था, इसलिए जिसको हम प्यूरिफाइड कर रहे हैं वो ऑब्वियसली उस एंटीजन के कारण से बना हुआ क्या होगा? एंटीबॉडीज होगा। आगे देखिए, प्रोड्यूस बाय सिंगल सेल और क्लोन ऑफ सेल। अभी कैसे प्रोड्यूस हुआ? हमने किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन को उसके अंदर ट्रांसफर किया था, तो वो सिंगल स्पेसिफिक नोन आइडेंटिफाइड रेक्टिफाइड एंटीजन था, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगल, दैट इज कॉल्ड मोनो, दैट इसी कारण से इसका जो पूरा नाम पड़ा वो पड़ा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, These are engineered to recognize and bind a specific signal antigen to produce specific antibody that will be used in a passive immunity. पहले वाले पॉइंट का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, बाकी इसका जो मीनिंग है वो सेम है। एक स्पेसिफिक तरीके के एंटीजन के रेस्पेक्ट में एंटीबॉडी बनाना, जिसको आपकी बॉडी नहीं बना पा रही थी, इससे आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो रहा था, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा था उस एंटीजन के रेस्पेक्ट में। लेकिन अब हमको आपको प्रोटेक्ट करना है तो एंटीबॉडीज तो देनी ही होगी। ये कोई अलग बात है कि वो आपकी बॉडी ना बना पा रही हो तो हम चुपचाप बैठेंगे नहीं, हमको कहीं और से बना बनाया रेडी टू यूज। और इसको मैंने क्लियरली डिफरेंशिएट किया है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के टॉपिक्स में। तो वहां पे हम बने बनाए एंटीजन के रेस्पेक्ट वाले एंटीबॉडी को देंगे इम्यूनोग्लोबुलिन के फॉर्म में, और यही है आपका मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और ये क्या करेगा? दिस विल प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि ये इम्यूनिटी उस एंटीजन के इनकाउंटर में आपकी बॉडी नहीं बना रही, इस एंटीबॉडी को आप बने बनाए के इसमें बाहर से दे रहे हो, दैट इज व्हाई इट इज कंसीडर्ड अंडर द पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एन एनिमल इज इम्यूनाइज्ड विद दैट एंटीजन दैट विल यील्ड अ डिजायरेबल एंटीबॉडी। जब सेकंड पार्ट में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और अच्छे समझ जाएंगे। ये वाला पॉइंट क्या कहता है? ये मान लेते हैं कोई एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में रैट है, इस रैट में मुझे कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनानी है। या एंटीबॉडी तो तभी बनेगी जब एंटीजन आएगा। स्पेसिफिक मलेरिया का पैरासाइट डाल करके मैं कोरोना वैक्सीन का एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, पोलियो का जो कॉजिंग एजेंट है उसको डाल करके मैं कोरोना वैक्सीन का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकता। सो व्हाटएवर एंटीजन, उसी के अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर बॉडी, चाहे मेरी हो चाहे एनिमल की हो, एंटीबॉडी बनाएगी। तो यहां पर हमारा एनिमल है, अब हम यहां पे एंटीजन को इंसर्ट कर रहे हैं। जब ये एंटीजन उस एनिमल में इंसर्ट हो रहा होगा, वो जो प्रोसेस है इंसर्शन ऑफ एंटीजन इनटू एनी होस्ट, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, ताकि हम उसमें एंटीजन को इंड्यूस करेंगे और उसकी बॉडी उस एंटीजन के रेस्पेक्ट में क्या बनाना शुरू करेगी? एंटीबॉडी, विच इज अ पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ इम्यूनाइजेशन। इम्यून सिस्टम को स्टार्ट करवाना, उसकी काम को शुरुआत कराना, यही तो कहलाता है इम्यूनाइजेशन। तो यही लिखा हुआ है, एनिमल को हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे
बनाएंगे एंटीजन का और उसके रेस्पेक्ट में बनाएगी हमारी एंटीबॉडी, और उस एंटीबॉडी को फिर आगे जाकर डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं उसमें छांटना, फिल्टर करना, एम्पलीफाई करना, फ्यूज करना, स्टोर करना, जरूरत पड़ने पे दे देना, ये चीजें उसमें होंगी। आगे बात करते हैं, द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स आर रिमूव्ड एंड मिक्स्ड विद द माइलोमा सेल अंडर द कंडीशन दैट प्रमोट सेल फ्यूजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या कहता है, जो एंटीबॉडीज बनाने वाले सब्सटेंस हैं, जो एंटीबॉडी बनाने वाले सेल हैं, इनको हम उसमें से अब रिमूव करेंगे। किसमें से? आपके एक्सपेरिमेंटल एनिमल से। एक बार तो हमने एंटीजन दे दिया, अब हमको हर 2 से 3 दिन में, वीक में इसको बार बार चेक करते रहना पड़ेगा कि उस दिए गए एंटीजन के रेस्पेक्ट में आपके एनिमल ने एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट की कि नहीं। अगर पचल गया कि हाँ बनानी स्टार्ट कर दी, उसको हम रेस्पेक्टफुली सेक्रीफाइस करेंगे और उसके स्प्लीन से एंटीबॉडी को रिमूव करेंगे। ये जो एंटीबॉडी है वो आर्टिफिशियल मीडियम में ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेगा, उसका नेचर वैसा नहीं है। फिर क्या करें, हम उस सेल को, उस आइसोलेटेड इम्यून सेल को बाहर निकालेंगे और माइलोमा सेल के साथ फ्यूज करेंगे। इसी को फ्यूजन को हमने बोला हाइब्रिड। माइलोमा सेल क्या है, आपने पढ़ा कैंसर सेल के बारे में। सो माइलोमा सेल इज अ टाइप ऑफ सेल विच इज हैविंग अ फास्ट ग्रोइंग एबिलिटी, बहुत ज्यादा ग्रोथ करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इसको हम फ्यूज करेंगे तो वो कंडीशंस ऐसा प्रोवाइड करेगा, ये वो काफी समय तक बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा। कौन? आपका हाइब्रिड सेल, आपका इम्यून सेल और आपका माइलोमा सेल, जो कि अब आपके लिए अच्छा है, वो काफी सारी मात्रा में ग्रोथ करते चलेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट कहता है, द रिजल्टिंग हाइब्रिड सेल ग्रो इनडिफिनेटली एंड प्रोड्यूस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। उसको हम मीडिया भी प्रोवाइड करेंगे, इन सब की जानकारी आपको सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में मिलेगी। तो हम उसको मीडिया भी प्रोवाइड कराएंगे, उनको हर एक चीज प्रोवाइड कराएंगे जो कि उनके फ्यूज सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके कारण से वो बहुत अच्छे से अनकंडीशनली अनइनडिफिनेटली वो ग्रोथ करेगा। अगला पॉइंट कहता है, दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इज यूज्ड फॉर, कहां कहां के लिए यूज होते हैं, हालांकि मैं एप्लीकेशन का सेपरेट सेक्शन अपलोड करूंगा, पर बेसिक चीज के लिए यहां पे देखिए, दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन के लिए, टारगेट अटैक ऑन द कैंसरस सेल, ये भी एंटी कैंसर में आपने देखा, किसी पर्टिकुलर कैंसर के सेल को टारगेट करके डिस्ट्रॉय करने के लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को यूज करते हैं। साथ साथ मॉप अप द कैंसर सेल आफ्टर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के बाद जो कुछ कैंसर सेल रह गए हैं डेड पार्टिकल के रूप में, उनको क्लियर आउट करने के लिए भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का हम यूज करते हैं। इसके बाद अगला यूज होता है डिटेक्ट एलर्जीज, कभी किसी व्यक्ति को कोई एलर्जी है कि नहीं, इस एजेंट के रेस्पेक्ट में, उस एजेंट के रेस्पेक्ट में, किसी भी एजेंट के रेस्पेक्ट में एलर्जिक है कि नहीं, तो एलर्जिक टेस्टिंग के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को भी हम यूज करते हैं। अगला है एनीमिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट डिजीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए, डायग्नोसिस के लिए इसको हम यूज करते हैं। डायग्नोस्टिक किट इसका एक आता है, इस किट का यूज स्पेसिफिकली यूज होता है, वो होगा आपके ड्रग के आसे में, जो हमने बात किया था ना पिछले टॉपिक्स में, पिछले सेमेस्टर में, बायोलॉजिकल आसे, माइक्रोबियल आसे, उन सब के रेस्पेक्ट में इसको हम यूज करते हैं। ब्लड टाइपिंग में जो आपका ब्लड ग्रुप है उसको चेक करने में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज करते हैं। उसके बाद हेपेटाइटिस की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स के केस में यूज करते हैं, और साथ में इसको गोनोरिया को आइडेंटिफाई डिटेक्ट करने के लिए एज अ डायग्नोस्टिक किट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो ये कुछ पहला बेसिक पॉइंट है, अभी वीडियो बाकी है, थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, तो सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का, कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है वो बनता कैसे है, स्टार्टिंग कहां से होती है, इंटरमीडिएट में क्या क्या करते हैं, फाइनली प्रोडक्ट बना कैसे। इसके बाद अगले ही वीडियो में हम बात करेंगे उनके रेस्पेक्टिव एग्जाम्पल और उनका एप्लीकेशन। सो फ्रेंड प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम बात करेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स टू प्रिपेयर अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, लेकिन उससे पहले आपके जीपैट का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये कि इस तरह की मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को सबसे पहले किसने और कब इंट्रोड्यूस किया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर इनको आगे जाकर के नोबेल प्राइज भी मिला था। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को इंट्रोड्यूस किया, ये थे आपके कोलर और मेलेस्टीन इन 1975। तो ये ईयर और इनके नाम जरूर याद रखिएगा, और ये भी याद रखें कि इनको इसके इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। कमिंग टू द मेन स्टेप्स, कि हम किस किस स्टेप्स को शुरू करेंगे, कैसे कैसे इंटरमीडिएट स्टेप में जाते जाएंगे कि फाइनली हमारे पास एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बन करके तैयार हो सके, ताकि इसको हम पैसिव इम्यूनिटी के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को ट्रांसफर करें जिसका इम्यून सिस्टम आपके उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए रेस्पेक्टिव एंटीबॉडी नहीं बना पा रहा हो। तो स्टेप्स कई सारे हैं, इस स्टेप में पहला जो स्टेप है वो कहता है इम्यूनाइज
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माउस, इसका मतलब क्या है, इसके स्टेप्स क्या क्या हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इम्यूनाइजेशन कहने का मतलब होता है जब कभी भी हम किसी भी एक इंडिविजुअल को, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो, उनको एंटीजन देते हैं, तो उन एंटीजन के रेस्पेक्ट में उनकी बॉडी के प्रोटेक्शन के पर्पज से उस एंटीजन के अगेंस्ट में डिफेंस सिस्टम को स्टार्ट करती है और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करती है। सो इट इज अ प्रोसेस, दैट मीन्स इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द बॉडी स्टार्ट मेकिंग अ एंटीबॉडी विथ रेस्पेक्ट टू द एंटीजन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। अब यहां पे क्या होगा, जब हम बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की, तो इस स्पेसिफिक एंटीजन को जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि वो एंटीबॉडी बनाए, इसको हम इंजेक्ट करते हैं आपके एक्सपेरिमेंटल एनिमल के रूप में माउस को यूज करते हुए। ये जो इम्यूनाइजेशन है वो हर तीसरे चौथे दिन तक चलता रहेगा, कुछ हफ्तों तक चलता रहेगा, ताकि उस एनिमल की बॉडी उस दिए गए एंटीजन के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर सके। तो द सिंपल फर्स्ट स्टेप इज इम्यूनाइजेशन। दूसरा स्टेप कहता है स्क्रीनिंग फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शन and removal of the spleen when the level of antibody is high। इसका मतलब क्या है, सबसे पहला जो वर्ड कह रहा है वो आपका स्क्रीनिंग है। जब कभी भी हम किसी भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल को, यहां पर रेस्पेक्ट में अगर बात करें तो माउस को एंटीजन देते हैं, तो एंटीजन देने के कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी एंटीबॉडी तो बनाना स्टार्ट करेगी, तो वो आपको पता कैसे चलेगा, देख के तो हम समझ नहीं सकते कि हाँ इसका अपीयरेंस चेंज हो रहा है, इसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है तो एंटीबॉडी बन गया होगा, ऐसा तो हमको समझ में नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, हमको एक पर्टिकुलर इंटरवल में ब्लड के सैंपल्स को लेते हुए रहना है, और उस ब्लड के सैंपल में सीरम के अंदर प्रेजेंट एंटीबॉडी जिसने उसको उसकी बॉडी बनाई होगी विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक एंटीजन, उसकी स्क्रीनिंग करेंगे। और जब हमको लगेगा ब्लड सैंपल्स के बाद कि ये पर्टिकुलर मात्रा में, सफिशिएंट मात्रा में एंटीबॉडी बना चुका है, तब हम उनको आगे के स्टेप पे मूव करेंगे। सो दिस इंपॉर्टेंट स्टेप कहता है कि आप इस एंटीबॉडी को चेक करें, स्क्रीन आउट करें कि वो प्रॉपर मात्रा में प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं, और अगर आपका ब्लड सैंपल कहता है कि सफिशिएंट मात्रा में प्रोड्यूस हो गया है, तो उस एक्सपेरिमेंटल एनिमल को एकदम रेस्पेक्ट के साथ, देखिए एक्सपेरिमेंटल एनिमल CPCSEA गाइडलाइन के हिसाब से, OECD गाइडलाइन के हिसाब से, और एक ह्यूमैनिटी के नाते हमको किसी भी एक्सपेरिमेंट एनिमल के साथ अनवांटेड तरीके से किसी भी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना, उनको सेक्रीफाइस भी करना है, दैट शुड बी ओनली विद रेस्पेक्ट। This is called anesthesia as well as euthanasia। दोनों चीजों को follow करेंगे, लेकिन यहां के respect में euthanasia को हम follow करेंगे, painless killing, या इसको respectfully kill करके उनके body से spleen को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये वही center होगा जहां पे उनकी body उस दिए गए antigen के respect में काफी सारी मात्रा में antibody को produce कर रही होगी। तो इस तरीके से second step में हमने उनकी body से antibody बनाने वाले spleen को निकाल लिया, isolate कर लिया। Coming to the next point, fusion of myeloma सेल विद द स्प्लीन सेल यूजिंग PEG। पहले इस पॉइंट को समझो, फिर मैं आगे का पार्ट को कंटिन्यू करूंगा। पहला पॉइंट कहता है फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, जैसा कि मैंने पिछले सेक्शन ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड में बात किया था। सो आपका स्प्लीन से निकाला गया एंटीबॉडी और आप आगे जब माइलोमा सेल के बारे में बात करेंगे तो दोनों को आपस में फ्यूज करेंगे। माइलोमा सेल मतलब ऐसे सेल जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो फास्ट मल्टीप्लीकेशन करें। अगर हम इस तरह के स्प्लीन से निकाले गए एंटीबॉडी को, इम्यूनोग्लोबुलिन को फ्यूज नहीं करेंगे तो उनकी लाइफ ज्यादा नहीं होगी, कुछ समय बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और प्रॉपर ग्रोथ भी उनका नहीं हो पाएगा। सो हम इस तरह के जो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन सेल हैं, एंटीबॉडी के सेल हैं, इनको माइलोमा सेल के साथ यूज करते हैं। यहां पे एक चीज जरूर याद रखिएगा, माइलोमा सेल दैट मींस दे हैव एबिलिटी टू ग्रो फास्टर बट दे डू नॉट हैव प्रॉपर्टी टू कॉज अ कैंसर। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो वो कैंसर वाले प्रॉब्लम को कॉज नहीं करेंगे, बस उनकी वो एबिलिटी को हम रिटेन कर रहे हैं कि वो मल्टीप्लीकेशन इनका फास्ट हो सके। और ये फ्यूज कैसे होंगे, हम दोनों को हाई स्पीड पर रोटेशन करते हैं सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के थ्रू, तो वो आपस में जाकर के फ्यूज होने लगते हैं। तो इस तरीके से हमने फ्यूज किया आपके इस इम्यूनोग्लोबुलिन को, एंटीबॉडी को, आपके माइलोमा सेल के साथ एक स्पेसिफिक तरह के सब्सटेंस को यूज करते हुए, दैट इज कॉल्ड PEG। अब यहां पे PEG का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये MCQs में पक्का पूछा जाएगा, दैट इज पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। इस पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का भी एक इंपॉर्टेंट काम है, जो सेल फ्यूज ना हुए हो, जो माइलोमा सेल और आपके इम्यूनोग्लोबुलिन सेल फ्यूज ना हो पाए हो, उनको उस मीडिया से डिस्ट्रॉय करने का काम करता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल का ये पर्टिकुलर सैंपल। और आगे देखिए, टू प्रोड्यूस हाइब्रिडोमा सेल, जब इस तरह के ऐसे सेल जो कि फ्यूज नहीं हुए हो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे,
तो हमारे पास बचेगा वो सेल होगा हाइब्रिडोमा सेल। हाइब्रिडोमा को मैंने आपको पहले ही पॉइंट में समझाया था पिछले सेक्शन में, हाइब्रिड दैट मींस अ कोलैबोरेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। दिस टेक्निक के थ्रू बने हुए सेल को हम बोलते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स। तो आगे बढ़े, अगला स्टेप कहता है सिलेक्शन ऑफ द हाइब्रिडोमा सेल बाय कल्चरिंग इन HAT मीडिया। ये क्या है ये भी समझ लेते हैं पहले। HAT का पूरा नाम होता है उनके कॉन्स्टिट्यूएंट के हिसाब से इंग्रेडिएंट, दैट इज हाइपोजेंथिन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरिन का काम करेगा सप्लीमेंट्री के लिए, एमाइनोप्टेरिन ये आपके इम्यूनो सिस्टम के ऊपर मॉड्यूलेटरी इफेक्ट शो करते हैं, साथ में आपका थायमिडीन। तो इन तीनों को कोलैबोरेट करके जो मीडिया बनाते हैं दैट इज कॉल्ड हैट मीडिया। और इसका जो यूज होगा वो देखिए सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल बाय कल्चरिंग। हाइब्रिडोमा सेल का सिलेक्शन मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले स्टेप में हमने हाइब्रिडोमा सेल बनाया, आपका इम्यूनोग्लोबुलिन सेल आपके माइलोमा सेल दोनों को मिला करके हमने बनाया। अब आप कोशिश तो कर रहे हैं उनको मिलाने की, बट इसके रिजल्ट एकदम 100% एग्जैक्टली आपके नीड के अकॉर्डिंगली बन जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उसमें तीन चांसेस हैं, या तो फ्यूज ना हुआ हो, या तो प्रॉपर और सही मात्रा में फ्यूज हुआ हो, या दो से अधिक चीजें फ्यूज हो गई हो। तो हमको चाहिए केवल ऐसा एंटीबॉडी जो एक स्पेसिफिक तरीके से मोनो तरीके से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोक्लोनल, वो एक क्लोन बना के रखा हुआ हो। तो ऐसे ही सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, हाइब्रिडोमा सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर उनको कल्चर करेंगे इस तरह के HAT मीडिया में। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दे कहता है चेकिंग फॉर द हाइब्रिडोमा सेल एंड सब कल्चरिंग देम। अब उसके बाद हम उसको सब कल्चर को चेक करेंगे, सब कल्चर को बनाने से पहले हम उसको एक बार चेक और करेंगे कि प्रॉपर हाइब्रिडोमा हुआ है कि नहीं, प्रॉपर उनका फ्यूजन हुआ है कि नहीं। अगर प्रॉपर फ्यूजन हुआ है तब हम जाकर के उनका क्या करेंगे, सब कल्चर करेंगे। देखिए सब कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चर तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है, उस कल्चर में बहुत सारी चीजें जैसे मैंने कहा बना हुआ है नहीं बना है ज्यादा बन गए हैं तो वो मिक्स है, उनमें से किसी एक पर्टिकुलर सैंपल को सेलेक्ट करके फिर से कल्चर कहलाना, यानी कि उस कल्चर में से कुछ निकाल करके दोबारा कल्चर करना, जैसे सिंपली नोन एज सब कल्चर। ये आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा भी होगा। सो दिस इज कॉल्ड सब कल्चर स्टेप, जिसमें हम अपने डिजायरेबल टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन को आपके हाइब्रिडोमा सेल को कल्चर करते हैं। अगला देखिए क्लोनिंग ऑफ द हाइब्रिडोमा सेल। क्लोनिंग ऑफ द हाइब्रिडोमा सेल मतलब क्या होता है, जो सेल अब आपका प्रिपेयर हो गया है, जो सब कुछ क्वालिटी वाइज भी क्वांटिटी वाइज भी आपकी डिजायरेबल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली है, देन वी हैव टू सेलेक्ट देम, देन वी हैव टू चेक देम, देन वी हैव टू क्लोन देम। क्लोनिंग करने के बाद क्या करेंगे, उनको स्टोर करके रखेंगे, जो चीज चाहिए था वैसा मिल गया, आप उसको स्टोर करके रखोगे, स्टोर करने के बाद उसको हम यूटिलाइज करेंगे एज अ रिक्वायर्ड, जब जब जैसी जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसको यूज करेंगे। और मोस्ट ऑफ द केस इसको हमने पैसिव इम्यूनिटी केस में यूज करते हैं, क्योंकि पैसिव इम्यूनिटी केस में हमारी बॉडी या उस व्यक्ति की बॉडी कुछ पर्टिकुलर एंटीजन के रेस्पेक्ट में एंटीबॉडी नहीं बना पाती है, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमको बाहर से बने बनाए एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो बाहर से बने बनाए बनने के लिए भी बाहर से कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा, वही जो बना हुआ है इसी प्रोसेस के थ्रू दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इनके थ्रू बना हुआ है और इसी को हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे। तो एक बार आप जरूर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी वाला टॉपिक को देखें, कांसेप्ट आपका वहीं से बेस स्टार्ट हुआ है। आखिरी पॉइंट में हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं छोटे से रफ डायग्राम या कहें कि फ्लो चार्ट के थ्रू। तो हम एक एंटीजन लेते हैं जिसके अगेंस्ट में आपको एंटीबॉडी बनवाना है और इस एंटीजन को हम रैट में इंजेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन, जो आपका पहला स्टेप है। इसके बाद क्या होगा, इस पे पर्टिकुलर सैंपल में बीच बीच में सैंपलिंग लेने के बाद, ब्लड सैंपल लेने के बाद चेक करेंगे और फाइनली अब जब कंफर्म हो गया है कि प्रॉपर मात्रा में बना रहा है उसके स्प्लिन को लेंगे, स्प्लीन को लेने के बाद उसमें माइलोमा सेल को फ्यूज करेंगे, देन वी हैव टू फ्यूज दिस स्प्लीन सेल विद माइलोमा सेल। उसके बाद हमको टेस्ट करते रहना है, चेक करते रहना है कि प्रॉपर एंटीबॉडी बनी कि नहीं उस एंटीजन के लिए। उसके बाद आपको प्योर हाइब्रिडोमा निकल करके आना है जो कि आपका एंटीबॉडी के रेस्पेक्ट में बना हुआ होगा। उसके बाद हमको क्या करना है, हमको प्रोपगेशन करना है, प्रोपगेशन मतलब उसको और बढ़ाना है, उसकी एक प्रकार से कह लें कि क्वांटिटीज को बढ़ानी है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कॉपीज हमको बनानी है। और उसके दो तरीके हैं, इन विट्रो और इन विवो। ये तो आप जानते हैं, इन विवो मतलब होता है इनसाइड द सेल, यानी कि एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर से हम वापस इसको कल्चर करवाएंगे, और इन विट्रो का मतलब होता है किसी आर्टिफिशियल मीडियम को यूज करते हुए लैबोरेटरी में आप इसको प्रिपेयर करेंगे, एंड देयर विल बी नो यूटिलाइजेशन ऑफ एनी ह्यूमन और एनिमल बॉडीज और एनी काइंड ऑफ लिविंग बॉडीज। तो ये हमको यहाँ पे क्लियर है। उसके बाद फाइनल स्टेप कहता है हार्वेस्ट करना। हाँ, अगर आपका सब कुछ क्वांटिटी वाइज बन गया है, सब कुछ हो गया है, देन यू हैव टू रिमूव दिस आउट, स्टोर इट और यूज करिए अपने नीड के अकॉर्डिंगली।
तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का। आई होप कि आपको दोनों व्हाइट बोर्ड सेक्शन क्लियर हुए होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट बनता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक जेन्युइन कमेंट का रिप्लाई करने की हमेशा कोशिश करता हूं और आगे भी आपकी रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करूंगा। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का जो रेफरेंस है, जैसा मैंने आपको कहा, इसके लिए मैंने 2-3 बुक को यूज किया था, माइक्रोबायोलॉजी की एनके जैन, अनंत नारायण पेजर और इम्यूनोलॉजी की एक की बुक्स आती हैं, उनको मैंने फॉलो किया है। सो इफ यू डू नॉट हैव दिस बुक्स, डोंट वरी, थोड़ी देर बाद मैं यहां से हट जाऊंगा, आप दोनों ही सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अगेन धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड डू टेक केयर ऑफ। नमस्कार।